हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रधान शिक्षक का जो प्रैक्टिस सेट है वह 23वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, 22 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हुईगा तो एक एक प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा। ठीक है, और DELED का जो है, DELED से संबंधित जो सिलेबस है वह 1 से लेके 8 यूनिट तक पढ़ना है। मतलब DELED का जो 75 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 75 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है, वह 1 से 8 यूनिट तक सिमट करा गया है। और 1 से 8 यूनिट तक हम डिस्कशन करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हुएगा वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। प्रधान शिक्षक है ना, टारगेट कोर्स के नाम से जो है प्लेलिस्ट होगा, वो उसको आप जाके देख लीजिएगा। ओके, चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पंचायत के विघटन के उपरांत, उपरांत मतलब के बाद, पंचायत का जब विघटन हो जाएगा, पंचायत का जब है ना खत्म हो जाएगा वह, उसके बाद तो निम्नलिखित में कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है। मतलब मान कि चलिए किसी पंचायत का विघटन हो गया है। ओके, अब कितने अवधि के विघटन के कितने अवधि के अंदर है ना नया चुनाव करा लेना है। ठीक है, तो वह 6 माह के अंदर जो है नया चुनाव करवा लेना होता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। यह नियम है कि कोई भी पंचायत का जब विघटन होगा, जब वो खत्म हो जाएगा पंचायत, तो नए चुनाव कराने कितने अवधि के दौरान करा लेना है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? उत्तरदायी है। ओके, किसके प्रति? तो पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? कितने वर्ष रखा गया है? तो यह रखा गया है 5 वर्ष रखा गया। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या है? डी नंबर। मतलब 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष रखा गया। आंसर क्या होगा? 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन समर्थक थे? तो समर्थक का नाम है राजीव गांधी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। मतलब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो राजीव गांधी थे। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो कौन सी है? तो यह है दोस्तों आपको जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो है यही भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में न्यायालय मतलब SC, हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय मतलब SC, हाई कोर्ट। ओके, तो उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से कौन परामर्श लेगा? प्रधानमंत्री लेगा या राष्ट्रपति लेगा या किसी भी उच्च न्यायालय को या उपयुक्त सभी को? तो यह ले सकता है कौन? तो उच्चतम, सॉरी सॉरी, हाई कोर्ट नहीं होगा, उच्चतम है, उच्च न्यायालय नहीं है। उच्चतम मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, SC। तो सुप्रीम कोर्ट से कौन जो है परामर्श ले सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी नंबर। राष्ट्रपति अगर मांगेगा तभी, ऐसे नहीं बिना मतलब के नहीं देगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलिए 7 नंबर। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो अपना है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। ओके, अंशतः मतलब थोड़ा सा कठोर भी है, कहीं कहीं आपको कठोर भी दिखने को मिलेगा और थोड़ा थोड़ा आपको वह फ्लेक्सिबल भी मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान क्या है? लचीला है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा? डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को भारत संघ में मिला ले, यह अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है संसद को प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय देश या भारत राज्य में मिला लेगा, भारत संघ में मिला लेगा, उसको किसको प्राप्त है यह अधिकार? तो संसद को प्राप्त है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके,
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था, मतलब यह सारे भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति थे कभी, ठीक है, मतलब इनमें से कौन जो है पहले बिहार के जो है वह राज्यपाल रह चुके हैं, तो यह जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह राष्ट्रपति भारत के बने थे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के क्या थे, राज्यपाल थे। और अगर ये नहीं रहेगा जाकिर हुसैन, तो रामनाथ कोविंद भी पहले कहाँ के थे, बिहार के राज्यपाल थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे, ठीक है। मतलब द्रौपदी मुर्मू जो अभी जो राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू, उससे पहले जो राष्ट्रपति थे कौन, रामनाथ कोविंद, यह रामनाथ कोविंद जो थे यह राष्ट्रपति से पहले भारत के राज्यपाल थे, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद भी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है, तो इसमें रामनाथ कोविंद का ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है कहाँ से, तो ये समवर्ती सूची भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, आंसर क्या होगा, सी नंबर, ओके। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, पृथक मतलब अलग हो जाने का कारण क्या है, तो अलग हो जाने का कारण जो है अपकेंद्रीय बल होता है, अलग हो जाने का कारण क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, आंसर क्या होगा, सी नंबर। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। दृष्टिपटल या रेटिना, अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना और हिंदी में दृष्टिपटल, पर जो चित्र बनता है, जो इमेज बनता है, वह कैसा होता है, तो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, मतलब हमारी आँख में जो किसी वस्तु को हम, हमारी जो आँख देखती है या देखता है, तो वह जो आँख पे जो चित्र बनता है रेटिना पे, वह वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो अब आप कहिएगा कि अच्छा वस्तु तो सीधा है तो सीधा ही हमको दिखता है, नहीं, उसको दिमाग के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सीधा कर लिया जाता है, ओके। चलिए, बनता है उल्टा ही और छोटा ही, लेकिन उसको किसके द्वारा, दिमाग के द्वारा जो है हमें सीधा कर लिया जाता है उल्टा तस्वीर को। चलिए, ऐसा उपकरण, ऐसा डिवाइस, मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वह कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैटरी, जो रासायनिक ऊर्जा रहता है उसमें केमिकल रखा रहता है बैटरी में, जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया या आप इन्वर्टर का बैटरी हो गया, जो भी, ठीक है, तो वह क्या करता है, घड़ी का बैटरी हो गया, उसमें देखिएगा, उसको खोल के कभी अगर कहीं देखे होइएगा, उसमें जो है एकदम केमिकल वेमिकल टाइप के जो है एकदम लिक्विड टाइप के कुछ रहता है, ठीक है, उसको तोड़िएगा तो रहेगा, तो वह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, और इससे हमारा जो है टॉर्च वॉर्च जो है मोबाइल ये सब चलता है, ठीक है। चलिए, 8 बीटों के समूह को कहते हैं, 8 बीट्स के समूह को क्या कहते हैं, तो 8 बीट इक्वल टू होता है 1 बाइट होता है, आंसर क्या होगा, बी नंबर, मतलब कहेगा 8 बीट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट, ठीक है, ये कंप्यूटर में होता है, और 10^24 बाइट बराबर होता है 1 KB, ठीक है, और 10^24 KB बराबर होता है 1 MB, ठीक है, मेगाबाइट, ठीक है, और 10^24 MB बराबर होता है 1 GB, नहीं कहते हमारे मोबाइल में 4 GB, 5 GB, 6 GB है ना, इतना डेटा है, इतना पिक्चर है, तो यही होता है, 10^24 MB बराबर होता है 1 GB, ठीक है। चलिए, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, तो परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, तो यह खोजा था आपको रदरफोर्ड ने खोजा था, आंसर क्या होगा, ए नंबर। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो यह द्रव होता है पारा। पारा जो है थर्मामीटर आप देखिएगा, ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर नहीं, जो शीशा वाला थर्मामीटर होता है उसमें जो है आपको मरकरी पारा भरा रहता है, ठीक है, वह द्रव के रूप में होता है, जैसे अभी रूम टेम्परेचर है ना, इसमें वो धातु है, लेकिन वह लिक्विड अवस्था में हमेशा रहता है, जैसे उसको ठंडा कीजिएगा तो वह ठोस बन जाएगा, ठीक है, तो लिक्विड अवस्था में जो है, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में कौन सा इसमें से रहता है, तो पारा जो है धातु, वो लिक्विड अवस्था में नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, रूम टेम्परेचर पर, ओके।
पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न से कौन उत्तरदायी है? तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स उत्तरदायी हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न से कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट उत्तरदायी। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल क्या होता है? जब कॉपर सल्फेट को जल में मिला दे तो उसका जो घोल बनेगा वो अम्लीय होगा, मतलब एसिडिक होगा, क्योंकि इस लवण का क्या होता है? इस लवण का जल अपघटन होता है, इसलिए यह क्या हो जाता है? लवणीय हो जाता है। आंसर क्या होगा? सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसलिए थकावट महसूस होती है। जैसे मान कर चलिए आप कहीं दौड़ के आए या बहुत ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ा तो आपको पैर में दर्द हो जाता है। तो मांस पैर में दर्द मतलब होता है मांसपेशी, जो हमारा मांस है ना, उसमें दर्द होने लगता है और उसको दबाने से जो है वह दर्द ठीक हो जाता है। तो हमारे मांस में क्या चीज़ हो जाता है दौड़ने से या चलने से जो हमारा दर्द करने लगता है? तो लैक्टिक एसिड एक होता है, या लैक्टिक एसिड, यही लैक्टिक एसिड बन जाता है ज़्यादा चलने से या दौड़ने से। तो क्या हो जाता है? हमारा मांसपेशी दर्द करने लगता है। और लैक्टिक एसिड हटेगा कैसे? तो उसको जैसे मांसपेशी को ऐसे ऐसे करके दबाइएगा, ठीक है, जैसे पैर दबाया जाता है, हाथ दबाया जाता है, उस प्रकार से वो एसिड क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे और वो आराम मिलता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड जमा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 20 नंबर। निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है? निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है? तो RDX जो होता है एक विस्फोटक होता है। RDX जो होता है यह एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इंटरमीडिएट में होइए, अगर पढ़े होइएगा तो पढ़े होइएगा, RDX बनाया जाता है, ठीक है, लैब में। तो RDX जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, RDX जो होता है यह विस्फोटक का काम करता है। ओके, मतलब बॉम्ब वोम जो पहाड़ उहाड़ जो तोड़ता है यह RDX से ही तोड़ता है। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद होता है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? मतलब कौन सा उर्वरक मिला देने से जो मिट्टी है उसको एसिडिक बना देता है, वह उसे खट्टा बना देता है? एसिडिक मतलब होता है खट्टा टाइप, ठीक है। तो उसको आप मिट्टी को टेस्ट करके तो नहीं देखिएगा कि खट्टा है कि क्या है, लेकिन वो उसको अगर चेक कीजिएगा उसका जो है, ठीक है, तो उसका जो pH वैल्यू आएगा वह 7 से क्या आएगा? कम आएगा। 7 से कम जब आता है तो हो जाता है एसिडिक, ठीक है। तो कौन सा उर्वरक कौन सा खाद मिलाने से जो है मिट्टी में वो एसिडिक हो जाता है? उस खाद का नाम है अमोनियम सल्फेट। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 22 नंबर। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशमक मतलब फायर एक्सटिंगाइजर। फायर एक्सटिंगाइजर कहने का मतलब है जो सिलेंडर में जो गैस, रेड सिलेंडर देखते होइएगा आप सिनेमा हॉल में या मॉल में, ये सब में रहता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा आदमी लोग रहते हैं वहाँ पे सब इस्तेमाल करता है। अब तो सब जगह रखते हैं लोग, सब कोचिंग वोचिंग सब में रहता है, ठीक है। तो ये अग्नि जो शमक होता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है जो आग बुझाने के काम आता है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही है कि किसी भी आग को या किसी भी वस्तु को जलने के लिए वो उसमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होगा तभी जलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा? बुझ जाएगा, ठीक है। जैसे मोमबत्ती के ऊपर जो है ग्लास धर दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भर जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जैसे हमारे शरीर में जो अस्थि सब है उसका जो व्यक्ति अध्ययन करता है, खाली एकदम प्योरली छुच्छे जो है सिर्फ अस्थियों का अध्ययन किया जाता है और किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करता है, तो उस विज्ञान को, उस शाखा को क्या कहते हैं? तो उस शाखा को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म का क्या है? तो व्हाइट लेग हॉर्न जो होता है वो एक किस्म का कुक्कुटों की प्रजाति होती है, मतलब मुर्गा मुर्गा मुर्गी का ये प्रजाति होता है, ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है, कुक्कुटों की एक प्रजाति है। कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा मुर्गी, ठीक है। चलिए, अभी सावन है, मुर्गा मुर्गी
निम्नलिखित में कौन सी औषधीय फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, तो औषधीय फसल होता है वह घृत कुमारी होता है। ओके, घृत कुमारी जो होता है औषधीय फसल है, मतलब यह औषधि के रूप में काम करता है। ओके, जैसे कोई पेट की समस्या है, गैस की समस्या है, तो घृत कुमारी लोग जो है मतलब पीते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याओं में घृत कुमारी जो है काम आता है। घृत कुमारी बाबा रामदेव जो है बनाते हैं इसका, जो है घृत कुमारी बिकता है ना, पतंजलि स्टोर में जाइएगा, घृत कुमारी दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल मतलब जो काई जो जमा रहता है कल पर उसको बोलते हैं। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, किस खेती में होता है, तो होता है आपको धान की खेती में नील हरित शैवाल का। ठीक है, नील मतलब नीला हरा जो है शैवाल होता है, काई होता है उसको शैवाल बोलते हैं। ओके, उसी का इस्तेमाल है ना धान की खेती में होता है उर्वरक के रूप में, उर्वरक मतलब खाद के रूप में। ओके सॉरी, सताइस, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ओके, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यकृत का कार्य क्या होता है, तो यूरिया। ठीक है, यूरिया को अलग करना या यूरिया को शरीर से बाहर निकालना है ना, वह किसका काम होता है, यकृत का कार्य होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी नंबर, आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत होते हैं किसका, जैसे आपका अगर हार्ट स्वस्थ रखना है तो उसके लिए रोज सेब खाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो हमारे दिल के लिए, हमारे हृदय के लिए जो है अच्छा होता है, तो इसमें पोटेशियम होता है, इसलिए यह क्या होता है, अच्छा होता है। किस किसके लिए, तो हृदय रोगियों के लिए सेब खाना बहुत लाभदायक होता है, हृदय रोगियों के लिए नहीं, सभी के लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, अब विशेष करके हृदय रोगियों के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, के उसका केमिकल जो है सिंबल है पोटेशियम का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है, रक्त में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, उसकी सांद्रता, उसका सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन में अगर कमी आएगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, वह श्वास जो है, श्वास की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, अब मान के चलिए जो है आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, रक्त है, उसमें जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रहा है, तो सांस आप जल्दी जल्दी लीजिएगा तभी तो वो ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाएगा। ठीक है, चलिए, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, जो मानव का जो कलाई होता है उसको ऐसे डॉक्टर सब नहीं देखते हैं, वो चेक करता है। ठीक है, तो स्पंदन, स्पंदन मतलब होता है धड़कन, मतलब वो फड़फड़ाते रहता है, धड़कते रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है, तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ओके, कैसे करती है, तो हृदय के बराबर करती है, जितना हृदय का है ना अति है उतना ही उसका स्पंदन होता है। ठीक है, पानी का आपेक्षिक घनत्व तो सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व तो जो पानी का वह किस तापमान पर पानी रहता है तो होता है, तो तापमान है आपको 4 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस में जैसे पानी जाएगा तो उसका घनत्व तो जो है पानी का सबसे ज़्यादा हो जाता है। ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में जो है यह बंगाल तक सीमित रहा, यह कथन सही नहीं है, बाकी ए बी सी सब क्या है, सही है। ओके, चलिए, आंसर क्या होगा इसका, डी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ओके, महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो निष्ठुर बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर, आंसर क्या होगा, बी नंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर, आंसर क्या होगा, बी नंबर। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे,
किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो किसने किया था? तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, पंद्रह अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ओके, तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह जेबी कृपलानी थे। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कब? 1632 में। कहाँ? पटना में। तो यह कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 38, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1921 ईस्वी में हुआ था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन जो हुआ था वह हुआ था 1929 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला समाचार पत्र था, तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह रखा गया था पटना में रखा गया था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थे? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है वह क्या है? तो ऑरेंज द वर्ल्ड इन द वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नाउ। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर मोटर नहीं है मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो यह बनाने की घोषणा की है मणिपुर में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो 2023 में जो विश्व कप होने वाला है उस टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है राहुल द्रविड़ को किया गया। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो यह राष्ट्रीय कानून बनाया है आपको चीन बनाया है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी जो बने हैं वह बने हैं आपको जीव मिल्खा सिंह बने हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो लक्षित ऋण वितरण राशि जो है वह है 3 ट्रिलियन रुपया। आंसर क्या होगा? ए नंबर, 3 ट्रिलियन रुपये हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है कहाँ शुरू हुआ है? तो यह केरल में शुरू हुआ। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा यह कब की है? तो यह किया है आपको 14 अगस्त को किया है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो किस समझौता के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ किया है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। गोवा में आयोजित है ना 91 जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना है? तो फोकस देश के रूप में चुना गया है आपको बांग्लादेश को चुना गया है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? मतलब भैंसी जो है वो टेस्ट ट्यूब में
जन्म जन्माया है, तो कहाँ हुआ है, तो हुआ है गुजरात में। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए नंबर। एक रेडियो सेट की कीमत उसकी लागत कीमत से, ए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैथ्स का जो वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, है ना, यूट्यूब चैनल पे, जो इस चैनल को आप देख रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का जो है अलग से वीडियो सारा बनाया गया है। ठीक है, और भी बनाया जाएगा, वह आप नहीं देखे हुइएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, और उसी में आपको चैप्टर वाइज बताया गया है, उसी में आपको यह मैथ और रीजनिंग बनाएगा। इतना दूर में बनने वाला है नहीं, इसलिए जो है यहाँ पे नहीं बनाया गया। इसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट आपको जानने होंगे, जिसके लिए आपको, ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछता है मैथ रीजनिंग से। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। मृदा अपवर्धन रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा। वन को रोपने से मतलब वृक्ष लगाने से क्या होता है, मृदा अपवर्धन। अपवर्धन मतलब होता है मृदा का कटाई। जैसे मान के चलिए बाढ़ आता है तो मृदा कट जाती है, लेकिन उसी स्थान पर अगर पेड़ रहेगा तो मृदा जो है, मृदा को क्या करता है, मिट्टी को पौधे पकड़ के रखते हैं, और बाढ़ आने से भी वहाँ मृदा का अपवर्धन, मृदा का मतलब जो है कटाव नहीं होता है, और वह क्षेत्र जो है बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो तवा परियोजना जो है वह होशंगाबाद से संबंधित है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो होशंगाबाद से संबंधित है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना एक किस्म है, क्या किस्म है, तो गेहूं का किस्म है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। कल्याण सोना किसका किस्म है, तो गेहूं का किस्म है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, तो ऊर्जा उत्पादन में होता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ होता है, ऊर्जा उत्पादन में होता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है, शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ओके, तो यह है खगरपुर पहाड़ियों का जो है ना हिस्सा है, वह अपेक्षाकृत बहुत क्या है, पुराना है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कौन जिला नहीं है, तो यह रोहतास जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। आंसर क्या होगा, बी। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीड मोट्स स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, पीड मैट्स स्वैम्प मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपको पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरों से गंगा नदी नहीं बहती, किस जोरों से गंगा नदी नहीं बहती, तो कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है, मतलब गंगा नदी जो है इसके किनारे कौन कौन सा जो है जिला बसा हुआ है, कितने जिले बसे हुए हैं, तो इसकी संख्या दोस्तों है 12। आंसर क्या होगा, सी नंबर। 12 जिले जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो राजधानी ही अपना पटना बसा हुआ है। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दक्षिण गंगा के मैदान में जो है कौन सी मिट्टी, कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यह करैल केवाल मिट्टी पाई जाती है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय के क्षेत्र में होती है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। यह है आपका 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन यह है आपको जीके जीएस, है ना, करेंट अफेयर्स ये सब से। अब जो है इसके बाद जो 76 से 150 क्वेश्चन होगा वह डीएलएड का होगा, तो डीएलएड से सिर्फ जो है 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको जो है पता चल जाएगा, और वह आसानी से आप जो है आप देख पाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया या नहीं किया। ओके, और इसका पीडीएफ जो है हम फ्री में दे रहे हैं, पीडीएफ फ्री है,
इसके लिए आप क्या करना होगा आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को क्या कीजिएगा आप ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको जितने भी वीडियो मैंने आज तक बनाया है यूट्यूब पे सारा का PDF वहाँ अवेलेबल है, फ्री में, बिल्कुल फ्री है, कोई एक रुपया उसका एक पैसा चार्ज नहीं है। आप जाके देख लीजिएगा PDF को और रिविजन कीजिएगा उसे, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है। बालकों में सोचने की जो योग्यता होती है सफल जीवन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, निम्न में से यह कथन किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है। तो यह क्रो एंड क्रो जो हो है ना, ये मनोवैज्ञानिक है, ये क्रो मतलब कौवा ना समझ लीजिएगा आप लोग। क्रो एंड क्रो जो है मनोवैज्ञानिक, इसका कथन है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देश नहीं करता है। ओके, तो किससे निर्देश नहीं करता है, तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। आंसर क्या होगा, ए नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप क्या करते हैं, तो आप जो है बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, मतलब वो खुद समस्या सॉल्व कर लिया है, आपसे वह नहीं पूछा है, वह खुद उसको जो है ना रिजॉल्व कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो बच्चों को आप क्या करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए 79 नंबर। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सामाजिक शिक्षण बहुत ज़रूरी होता है, तो क्यों होता है, तो बच्चों के समाजीकरण में सहायक होता है, ठीक है, इसलिए जो है सामाजिक शिक्षण बहुत ज़रूरी होता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित डोलार्ड और मिलर दोनों ने मिलकर किया है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि मतलब IQ है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, शब्द को परिभाषित किया था। तो बुद्धिलब्धि शब्द को परिभाषित करने वाला था सर्वप्रथम स्टर्न था, IQ जो है सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वह किसने दिया था, तो स्टर्न ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है, तो यह पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में कहा जाता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। आंसर क्या होगा, सी नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। समावेशी शिक्षा संबंधित करती है। तो समावेशी शिक्षा संबंधित करती है किसे, सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को करती है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए 84। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को डैश कहा जाता है, जो सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से उत्पन्न होती है। यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अफेजिया कहा जाता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का बहुत तेज गति से विकास होता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर देखिए कि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह कथन, आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए। आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन के में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। तो निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है, तो सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है, यह सत्य हो सकता है। आंसर क्या होगा,
सी नंबर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। वायकोस्की के अनुसार, वायकोस्की एक मनोवैज्ञानिक है, उसके अनुसार बच्चे अपनी साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था के दौरान या सक्रिय सदस्य होते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तराक करके बोलता है, बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो क्या उपाय करेंगे? तो उपाय है कि आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, तू तराक नहीं करेगा। सामाजिककरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व तो है, क्या आवश्यक तत्व तो है? तो यह परिवार एवं पड़ोस जो है यह आवश्यक तत्व तो माना जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, 92 नंबर देखें। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है, क्या कार्य करती है? छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का कार्य करती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए, है ना, सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है? ओके, तो किस सिद्धांत का जानकारी होना आवश्यक है? इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 94। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्या कहलाता है? यह कहलाता है अंतर्दृष्टि तथा सूझ का सिद्धांत कहलाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 95। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? ओके, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो कौन गुण नहीं है? तो सुस्त मानसिक प्रक्रिया जो है यह प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं हो सकता है। ओके, चलिए। लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है, यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? तो यह जो है उच्च वर्ग से संबंधित है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो किस प्रकार के प्रश्नों का होता है? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलती कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे होगा? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है? तो यह आत्मसात का नियम जो है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा? बी। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है, किस अवस्था में होता है? तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए। और इसका PDF जो है बिल्कुल फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाइएगा और आपको सारा PDF, जितने भी वीडियो मैंने आज तक बनाए हैं सारा का PDF वहाँ अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे और रिवीजन कर सकते हैं। ओके, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ओके, तो निम्न में से क्या आवश्यक है? तो कल्पनाशीलता आवश्यक है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? तो एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? तो पूरा ऊपर कीजिए। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? तो सभी को समान महत्व देना चाहिए, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई बच्चा आपके द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, ओके, कोई बच्चा
अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। कब करता है? समस्या समाधान के लिए करता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता, शैक्षणिक संस्थान ही एक मात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तम साधन क्या है? तो अनुबंधन जो है सर्वोत्तम साधन है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन जो है यह ड्रेवर का है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो धैर्य और धीरता जो है ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें, बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें क्या होना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी क्या है, योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? किसका चुनाव करेंगे? तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। आंसर क्या होगा? बी नंबर। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहाँ बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है? तो यह मत जो है वह फ्रोबेल का मत है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। क्या प्रमुख समस्या नहीं है? अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना यह प्रमुख समस्या में नहीं आता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था? तो यह किया था आपको हेनरी मरे ने किया था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों आपको जीन पियाजे ने दिया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। विकासात्मक, 115 नंबर, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था आपको ब्रीजेज के द्वारा किया गया था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण निम्न से कौन नहीं है? तो असहनशीलता जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का है ना लक्षण नहीं है। मतलब सहनशीलता होना अच्छी बात है, असहनशीलता मतलब कुछ कोई बोल दिया आप जो है कूदने लगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ठीक है। 117, निम्नलिखित में कौन सा यथार्थवादी, यथार्थवादी मतलब सच्चा है ना चिंतन का प्रकार नहीं है? तो यथार्थवादी चिंतन का प्रकार इसमें से कौन नहीं है? तो स्वलीन चिंतन जो है यह यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं माना जाता है। ठीक है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संरचनावाद के प्रवर्तक जो थे वह विल्हेम बुंटे थे। कौन थे? विल्हेम बुंटे। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो यह संवेग जो है अभिप्रेरणा तत्व से संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा? सी। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो पलायन से जुड़ा हुआ है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह सही है आपको, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर।
122 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, ठीक है, कैसे संबोधित कर सकती है, तो इसका पूरा देखिए पूर्ण भाषा भी दिया हुआ है, ठीक है, इसका छोटा कर देते हैं ज़्यादा समझ में, 122 नंबर, ठीक है। देखिए तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती हैं कैसे, तो भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, सही बात है, ठीक है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में करके, सही बात है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, सही बात है। मानक निर्देश, नहीं निर्देश नहीं, निर्देश वाला ही काम हो जाएगा गलती, तो आंसर क्या होगा ए बी और सी, आंसर क्या होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए मानक निर्देश और निष्पादन सब माने मानदंड निर्धारित करके, दंड उंड नहीं, ये सब गलत बात है, ठीक है। तो ए बी सी आंसर होगा, ए बी सी कूट में क्या है डी नंबर आंसर सही। इसका भी कूट है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यालयों में से विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो असफलताओं के बारे में कौन सा कथन सही है, तो विशेष जातियों और समुदायों के संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं, जाति उति से असफल, असफलता का कहाँ से कंसेप्ट है, गलती है, ठीक है। विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, यह कथन सही हो सकता है, आंसर क्या, मतलब ये कथन सही हो सकता है, और आगे देखते हैं, ठीक है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उन तरीकों से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, सही बात है, ठीक है, बी और सी सही है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान नहीं रखती, ऐसा नहीं बात है, तो आंसर क्या होगा बी और सी, किस में है सी नंबर, बी और सी आंसर क्या होगा सी नंबर, 123 का क्या होगा सी। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु तो शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, तो यह विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, आंसर क्या होगा ए नंबर, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो, जिसमें क्या होना चाहिए, तो जिसमें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना शामिल हो, आंसर क्या होगा डी नंबर। TAT द्वारा बनाया गया था, TAT-DASH द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह मरे के द्वारा बनाया गया था, आंसर क्या होगा डी नंबर। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना डैश कहलाता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है डैश कहलाता है, तो यह कहलाता है कुंठा कहलाता है, आंसर क्या होगा सी नंबर। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो अनुवांशिकता प्रभावित करता है, आंसर क्या होगा बी नंबर। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। आधार आयु निम्न से किसके मापन से संबंधित है, तो आधार आयु निम्न से किसके मापन से संबंधित है, तो यह मापन से संबंधित है बुद्धि मापन से संबंधित है, आंसर क्या होगा सी नंबर। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि द्वारा आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है, तो यह किसका उदाहरण बनता है, तो यह उदाहरण बनता है विस्थापन का, आंसर क्या होगा ए नंबर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो इनमें से विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, आंसर क्या होगा बी नंबर। ओके, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, आंसर क्या होगा बी नंबर। ओके, 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, तो सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, आंसर क्या होगा डी नंबर।
134, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। आंसर क्या होगा? डी नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों आपको कर्ट लेविन ने दिया था। आंसर क्या होगा? ए। पद संवेगनात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो पद संवेगनात्मक क्रांति जो है उस अवस्था का नाम है जिससे वो अधिक जुड़ा हुआ है, किशोरावस्था से। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। आंसर क्या होगा? बी। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो कहानी कथन को प्राथमिकता देनी चाहिए। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखिए। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? तो कठिनाई का द्योतक कौन नहीं है? पठन गति व प्रभाव में कठिनाई। आंसर क्या होगा? बी नंबर। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था गोल्डन एज कहा जाता है वह कौन सी है? तो वह है बाल्यावस्था है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। यह गोल्डन एज इसको कहा जाता है, किसको? बाल्यावस्था को जो है सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है चलिए। वह विशेषता जो कि संज्ञानात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, ओके, तो यह क्या कहलाता है? तो शिक्षक केंद्रित कहलाता है। ओके 143 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? तो सृजनात्मकता के बारे में, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, यह क्या है? गलत बात है। ठीक है आंसर क्या होगा? ए। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है? तो अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि? क्यों कठिन है? क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत है तथा कुछ कमजोर है, यह कथन किस क्या है? किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है यह व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं किसके लिए? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए जरूरी होते हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके चलिए 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कम बुद्धि वह ज्ञान जो है यह क्या है? गलत है। ठीक है चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखिए। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है? इनमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो कौन उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्तकार, जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट, ठीक है, यह नहीं है। दत्तकार का मतलब क्या है? असाइनमेंट। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा? शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है इसका PDF फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर,
उसको आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आंसर इसका क्या है, ए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।